अरे छोटू, कब तुम टूरे बनेगा? आ जा घर पे जल्दी से, व्हाट द फैक्ट की वीडियो आ गई है। थैंक यू ब्रो इंट्रो के लिए। वैसे एक्साइटेड हो गए क्यों नहीं? आज जो तुम्हें फन इंटरेस्टिंग नॉलेज लाइक ट्रेन मीन कोड्स को डिकोड कैसे किया जाता है, पहले के अम्ब्रेला में ये जेसेप क्यों होते थे, बहुत से लोग ये काला धागा क्यों पहनते हैं और चलती ट्रेन के नीचे पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं, इन सब के बारे में जो पता चलने वाला है। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर वन, जब दीपावली का सीजन आता है तब ट्रेन के नीचे कुछ इस तरीके से पटाखे रखकर फोड़ा जाता है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन की पटरी पर सच में पटाखे फोड़े जाते हैं? जब भी ट्रेन की पटरी पर काम चल रहा होता है तो ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट को रेड सिग्नल दिया जाता है, लेकिन सर्दियों में कुछ इलाकों में काफी ज्यादा फॉग होता है और इसलिए हो सकता है कि लोकोमोटिव पायलट उस रेड सिग्नल को मिस कर दे और ऐसे में काफी ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए सर्दियों में पटाखों के यंत्र ट्रैक पर डेटोनेटर्स को लगाया जाता है और अक्सर ये ट्रैक के रिपेयर के समय लगाए जाते हैं, जिसे डैमेज ट्रैक से 600 मीटर पहले ही लगा दिया जाता है। पर हां, आजकल इन टेक्नोलॉजी का यूज कम किया जाता है क्योंकि अब हमारे रेलवे वालों के पास काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। वैसे भाई कुछ भी बोलो, मुझे ट्रेन के लिए बुरा तो लग रहा है भाई। मतलब तुम ही जस्ट इमेजिन करो ना कि बेचारा अगर ट्रेन इंसान होता तो उसका क्या हाल हो रहा होता। نايف شوف ايوه اللي تحت على اليمين بعلى هذا لا اليمين يمين يمين هذا اي هذا يبا يا नंबर टू, अब इस बात को तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब ये मॉल जाते हैं तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई भी प्रॉपर सीट नहीं होती और फूड एरिया को छोड़कर पूरे मॉल में भाई एक भी चेयर नहीं होता। भाई सच्ची बता रहा हूँ यार, ये खड़े खड़े इतना ज्यादा पैर दर्द देता है ना कि लगता है मॉल वालों के पीछे पागल कुत्ते ही दौड़ा दूं। पर भाई कोई भी चेयर नहीं देने का ये मॉल वालों का मास्टर माइंड आइडिया होता है। देखो, आप मॉल में जितना ज्यादा घूमोगे उतना ही ज्यादा सामान खरीदोगे और इसलिए हर मॉल वाले चाहते हैं कि आप जब मॉल में हो तो कभी बैठो मत, हर जगह बस घूमते रहो, क्योंकि भाई इसमें उन्हीं का तो फायदा है। मॉल में अगर वो चेयर देने लग गए तो मेरे जैसे कई लोग वहीं बैठ जाएंगे और मॉल में भीड़ भाड़ लग जाएगी, जो वो कतई नहीं चाहते। इसलिए तो मैं मॉल वालों से कहना चाहता हूँ, यू आर चालाक ब्रो, बहुत चालाक। नंबर थर्ड, होटल्स में बेड पर हमेशा एकदम व्हाइट कलर की बेडिंग होती है, कंबल बिस्तर तक की एकदम सफेद होता है और ऐसा नहीं है कि इन्होंने उजाला का मार्केट शेयर लेकर रखा है, बल्कि यह तो हमें बताना चाहते हैं कि भाई हमारी होटल्स बहुत ज्यादा साफ है। एक बार तो गलती से काला कौवा हमारे बेड पर सो गया था और आप यकीन नहीं करोगे कि उसका रंग रूप स्वरूप सब बदल गया और आज वो काला कौवा ऐसा दिखता है। ओके बैक टू द टॉपिक, ऐसे होटल्स में अक्सर लोगों को हाइजीनिक की दिक्कत होती है, बट इस चमचमाते व्हाइट बेड को देखकर हमारे दिमाग में ये इल्यूजन बनता है कि ये होटल्स एकदम साफ है। इसी के साथ व्हाइट बेड सीट हमें एकदम प्रीमियम फील देती है, साथ ही होटल स्टाफ के लिए भी व्हाइट बेड सीट में दाग ढूंढना और उसे साफ करना आसान होता है, इसलिए वो लोग व्हाइट बेड सीट देते हैं। नंबर फोर, अब भाई अब अगर आप इतने बड़े ऑब्जर्वर हो तो आपने भी कभी न कभी बहुत से लोगों के पैरों में ये काला धागा तो जरूर से देखा होगा। वेल, अब इसका कोई लॉजिकल पर्पस तो नहीं है, बट कई स्पिरिचुअल पर्पसेस के अकॉर्डिंग ये हमारे एनवायरनमेंट के निगेटिव पावर को नष्ट करके हमें हमेशा पॉजिटिव पावर प्रोवाइड करता है। नंबर फाइव, तो समझा ना काजू कतरी, ये देखा इसने अंदर से ये निकाला है, घुसड़ूंगा ना तेरा, वो भी निकालूंगा। अब भाई अगर आपने बॉलीवुड के ऐसे सीन्स देखे होंगे तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आपको भी यही लगता होगा कि छातों में ये राउंड हैंडल्स का काम उनमें से तलवार निकालने के लिए यूज होता है, क्योंकि भाई बॉलीवुड मूवीज में तो हमें यही दिखाया गया है। वैसे ये जे कर्व के हैंडल्स आपके मॉडर्न छातों में बहुत कम आते हैं और पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई टांगने के लिए अब इनमें धागे जो आते हैं, क्योंकि पहले के अम्ब्रेला में ये जे सिर्फ यही काम तो किया करते थे। हाँ, उसके और भी बेनिफिट्स थे, लाइक उसको आप बस में कहीं पर भी टांग और पकड़ सकते थे और अगर मान लो आपके हाथों में ज्यादा सामान है तो आप उसे इजिली अपने हाथों या गर्दन के कॉलर्स में लटका सकते थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। म्यूजिक नंबर सिक्स, आमतौर पर हम अपनी गाड़ियों में इन नंबर्स का पर्पस तो जानते हैं, बट वहीं ट्रेन वाले इन नंबर्स का नहीं। देखो, आमतौर पर सभी लोकल ट्रेन में ये 5 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होता है जो उसके हैप्पी बर्थडे, आई मीन ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट टाइप्स के क्लास को बतलाता है। कोच के 5 नंबर में से पहले 2 नंबर उसके हैप्पी बर्थडे, अरे यार, मतलब की ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बतलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 04, मतलब कि इस कोच को 2004 में बनाया गया था। वहीं पे अगर मान लो 98 लिखा हुआ है, यानी कि इसे 1998 में बनाया गया था। लास्ट के 3 नंबर उसके अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, 001 से 02
0 to 5 यानी कि सुकून वाली एसी क्लास, 401 से 600 तक यानी कि जनरल सेकंड क्लास एंड सो ऑन सो ऑन। यहाँ पर चार्ट दे दिया है, आप आराम से रोक कर वीडियो को देख सकते हो। वैसे भाई बर्थडे से याद आया, तुम लोग के बर्थडे के रिलेटेड एक टिप थी जो तुम्हें जरूर से जानी चाहिए। खोन जाइए तारे जमीन पर। नंबर 7 गाइस, हाईवे में जो मोस्टली डिवाइडर होते हैं उनमें पेड़ को लगाया जाता है। अब आपको भी इसे देखकर लग सकता है कि ये सिर्फ हमारे अच्छे एनवायरनमेंट के लिए लगाया जाता है, लेकिन भाइयों इसी के साथ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस भी सर्व करते हैं। देखो, डिवाइडर कार के लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे अपोजिट डायरेक्शन में चलती कार उसे क्रॉस तो नहीं कर पाती है, लेकिन उसकी लाइट जरूर कर सकती है और इस लाइट को कोई नहीं रोक सकता। अब यहीं पर यूज होते हैं हमारे डिवाइडर में लगाए गए पेड़। ये पेड़ सामने से आ रही कारों के लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को फायदा होता ही है, साथ ही हमारे ड्राइवरों को भी फायदा होता है। ओके, अब भाई जनवरी के मंथ में ऐसी ठंडी बढ़ी हुई है तो क्यों ना हंस कर गर्म होने के लिए कुछ कनॉलेजेबल स्पेशल गर्मा गर्म मीम्स देख लिए जाएं। जब ऑनलाइन क्लास टीचर तुम्हारे हॉस्पिटल में होने का प्रूफ मांगते हैं। टीचर, सभी कंप्यूटर लैब में जाकर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मेन कंप्यूटर लैब। भाई यार सच में अपने आपको तुम गेमर कहना छोड़ दो, अगर तुमने कंप्यूटर लैब में ये गेम नहीं खेला है। मतलब भाई वैसे भी गिन चुन के तो 2-3 ही गेम हुआ करते थे और उसमें से भी इसके साउंड इफेक्ट्स। टॉपर राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम्स, मी ट्राइंग टू कॉपी हिम। जब आपका फ्रेंड जो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाना शुरू कर दे और कहे, मैं तो बस रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जीतना देखना चाहता था। भाई बंदे का फेस देखो, हम तो जाएंगे सर, हम तुम्हें भी लेके जाएंगे। टीचर्स का वो लुक जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं। नहीं यार, ऐसे टीचर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो PLZZ प्लीज इन बटन्स को दबाकर ही जाना, ताकि यार हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। इस वीडियो के और भी पार्ट्स को देखना है तो ये दो वीडियो आपके लिए हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।